लगा राधा, तुम्हें नहीं मालूम है क्या गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े, गोवर्धन कृपणा तो सबकी चटनी बन जाएगी दूर खड़ो। अच्छा श्याम सुंदर गोवर्धन साधे वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटू सो कन्हैया और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया। एक ने पूछ लिया, श्याम हाँ तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे। तो कन्हैया बोले, इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया, क्योंकि श्याम ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं। 500 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं, श्याम ने कभी छिपाया नहीं और प्रभु राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। बोले तुम्हें माल बताना ही पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे। श्याम ने सोचा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो कन्हैया बोले, देखो मैं बताऊं, कछुमा खन को बलवड़ कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले इतनी सारी छड़ी लगी है उससे सारा मिल रहा है, घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम गोवर्धन उठाए हैं, तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं, इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला, मन सुखा जो रहे दामा के नजदीकी खड़ो रहे, सब धीरे से ही बोलो, रे दामा। बोले हाँ जवाब दो, सोई तो कहें 2-3 दिन से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता। बोले अभी तक तुम माखन चुराता रहा, शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए, मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया। बोले हमें माफ करना, 7 रोज से छठ भर भी हमने रोग नहीं गाए, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं तो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चला, इधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा, तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पे गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, पहचानने में देर हो गई। श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र लौट करके वहां से चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। और ये हमारे पास भी कुछ पुरस्कार है, 50 रुपए आए हैं हरिश्चंद्र की तरफ से, जो शेखुपुरा के रहने वाले हैं।